तो दोस्तों खेतों में आई हूँ तो दोस्तों खेतों में आई हूँ देख रही हूँ कौन कौन सा चीज तैयार है। तैयार तो बहुत कुछ है, देखिए कुमड़ा तैयार है और बहुत जल्द कुमड़ा का भी रेसिपी दूंगी। बैगन तैयार है, बैगन इतने सारे तैयार है, ये देख रहे हैं, ये देखिए बेचारा बढ़ेगा कैसे, ये इसको मैं छेड़ दी हूँ तो ये देखिए। तो अभी बहुत कुछ तैयार है, तो आज मैं इस वाला सीताफल का बनाने वाली हूँ। तो आज मैं इसी वाला सीताफल से ना सीताफल का भंडारे वाला सब्जी, कद्दू का सब्जी बना के दिखाऊंगी, एकदम चटपटा जो पूड़ी के साथ खाया जाता है। तो देखिए इस साल ना हमारे यहाँ सीताफल बहुत सारा उगा है, बहुत सारा, यानी कि आइए जल्दी दिखाती हूँ। तो देख रहे हैं, ये देखिए कि यहाँ पे है कुमड़ा महाराज है, और हमारे यहाँ ना इसको ना खिचड़ी पे है, मतलब जरूर बनता है खिचड़ी पे। और ये मैं खिचड़ी के तो सब्जी बना के खा ही चुकी हूँ, मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो हमारे यहाँ जो सब्जी बनता है ना खिचड़ी पे, वो बिहारी तरीके से बनता है, बिहारी मसाले से। आप बोलेंगे बिहारी मसाला कौन सा है, तो मतलब एक तरीका ही उसका अलग है बनाने का। आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, मैं कुमड़ा का सब्जी बनाई हूँ शायद बिहारी स्टाइल में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक और सीताफल है, देखिए वहाँ पे है, देखिए, और एक देखिए वहाँ पे है, देख रहे हैं। तो अभी यहाँ पे मिट्टी उट्टी डाले हैं, थोड़ा साफ हो जाएगा है, ठीक है। इधर देखिए ये थोड़ा मिट्टी डाले हैं ना, तो ये नीचे हो गया, उधर साइड में चला गया है खम्बा। बता तो दी हूँ लेकिन किस तरीके से बनाऊंगी ये सरप्राइज है आप लोगों के लिए। तो अभी मैं तोड़ूंगी नहीं क्योंकि घर पे चार तोड़ के रखा हुआ है, तो चलिए चलते हैं घर पे, अब बनाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं तोड़ूंगी, तो अभी ये पूरा पक्का नहीं है, अभी पेड़ पे रहेगा ना तो एकदम बिल्कुल पीला हो जाएगा एकदम पक के। ये जब पक जाएगा ना तो इसको साल भर आप घर में बिना फ्रिज के स्टोर कर सकते हैं अपने घर में, और साल भर तक इसका सब्जी खा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए इसको पेड़ पे पकाना पड़ता है, गाँव में ये सब ट्रिक चलता है। और इसका फूल ये देखिए, इसका फूल का मैं बजका वाला पकौड़ा बना के दिखाई थी अभी नहीं बरसात में, इतना आप लोग पसंद किए थे उसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। तो सारा जानकारी दे दी दोस्तों, अब चलते हैं घर और बनाते हैं कुमड़ा का कोहरा, हमारा यहाँ बोल जाला कोहरा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं मम्मी? इंग्लिश में पंपकिन, पंपकिन के लाना है, ठीक है पंपकिन के लाना, ठीक है। आज खाली हाथ से जाएंगे नहीं, वैसे तो लेके जाना था है धनिया पत्ता, पर हमारी दीदी के खेत में वहीं पास में ही है घर के पास में, तो कुछ नहीं लेके जाएंगे ना, ये तो लिए ही है फूल, खाली हाथ कैसे हुआ। लीजिए तो कहीं में रख लीजिए, चलिए किसी दिन ना मैनेजर किचन अगर देख रहा है हमसे तो आप लोग बताइएगा, बच्चों को मजा आएगा। एक कुमड़ा लाल जी के पेट में यहाँ सोच रही हूँ बांध दूँ। क्यों मम्मी? कोई पूछेगा तो बोलेंगे 9 महीने बाद होगा। बड़ा अच्छा मजाक कर रहे हो मम्मी। ऐसी था उनका, मैं अच्छा मजाक नहीं कर रही हूँ। लीजिए कैसे जाएगा मेरे से, ये लीजिए। देखो गिर जाएगा, एक ही फूल है, फूल भी नहीं है कि लाके दीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, बहुत हुआ। तो यहाँ पे देखिए कितना सारा कुमड़ा है, इन्हीं में से एक कुमड़ा का हम आज बनाने वाले हैं। आपको वो जो बड़ा बड़ा दूध दिख रहा है ना, उसको हम लोग अपने मोहल्ले में बांटेंगे। तो यहाँ पे जो कुमड़ा है ना, उसको हमारे यहाँ लेडीज नहीं काटती है, चाहे कोई सा भी कुमड़ा हो। एक बार एक रील में मैं पीछे से तो कटा हुआ था, मैं इसे उल्टा करके दिखा दी, वो कुमड़ा ना सड़ा था, तो बहुत से लोग बोले हैं। तो हमारे यहाँ देखिए, अरे वाह कितना अच्छा है जी, तो बहुत से दोस्त बोल रहे थे कि नहीं काटती है, तो वाकई में नहीं काटते हैं हम लोग भी, इसको जेंट्स काटते हैं। इसका भी रीजन है, कुमड़ा लड़का है ऐसा बोला जाता है। अभी देख रहे हैं कितना बढ़िया, छोटा सा है पर पक्का है ना जी। ये मुदाए मुदाए छिलका काट दूं, मुदाए नहीं भी कटेगा तो चलेगा, लेकिन छील देते हैं। हाँ छील भी सकते हैं, नहीं भी छील सकते हैं, इसको दोनों तरीके से बनता है, बना सकते हैं इसको, हम लोग छील के बना रहे हैं। दोनों तरीके से बनता है, लेकिन आप छिलका समेत भी बना सकते हैं। इतना बड़ा बड़ा पीस रख रही हूँ,
सेम तरीके से ना काट लेते हैं, वैसे पका हुआ कुमड़ा का ही भंडारे वाला सब्जी अच्छा होता है। यहाँ पे देख रहे हैं काट रहे हैं, जब तक मैं चूल्हा जलाती हूँ। ये जो बीज है ना, इसका आप एक चटपटा सा नाश्ता ही बना सकते हैं, नहीं तो इसमें डाल भी सकते हैं। देख रहे कितना पकल बना, ये बीज छोट रोला लगत लग के ना के पकल ना। तो चूल्हा जल गया है, चूल्हा जलाने में बहुत समय लग जाता है। तो कढ़ाई रख दिए हैं, इसमें डालेंगे देसी घी में भी बनता है भंडारा वाला सब्जी, सरसों का तेल में भी बनता है। ठीक है, सरसों का तेल में मैं तो देखिए तड़का के लिए क्या क्या लिए हैं। पंचफोरन है, तेज पत्ता है 3-4, हींग है, लाल मिर्च है, अदरक का हम पेस्ट बनाएंगे। तो यहीं पे देखिए टमाटर और अदरक लिए हैं, इसका पेस्ट बनाएंगे। तो सभी तड़का को हम डाल लेंगे इसी में, हींग भी डाल लेंगे। तो हमारे यहाँ ना पहले तड़का वो क्या बोलते हैं, कोहड़ा नहीं मारा जाता है, या तो आलू हो या कुछ और हो। तो मैं टमाटर डाल दी हूँ, अब कुबड़ा को ना 8-10 मिनट भूनेंगे बढ़िया से। ठीक है, भूनते भूनते एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 250-300 ग्राम टमाटर हम काट रहे हैं। कितना आटा के गीजा करेगा देख रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो कुमड़ा है कितना अच्छा भुन गया है और जूसीपन पूरा पूरा जूस छोड़ दिया है। देखिए तो 2 चम्मच अदरक का पेस्ट डाल देंगे हम, और पेस्ट डालने के बाद थोड़ा देर भूनेंगे 1-2 मिनट। आटा को थोड़ा टाइट ही गूंदना है, पूड़ी बनाना है। अब यहीं पे सेंधा नमक डालेंगे कि जो हमारा कुमड़ा है ना जल्दी सॉफ्ट पड़ जाए। अब 1 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर और 2 चम्मच लाल तीखा मिर्च, क्योंकि चटपटा बनेगा। 1 चम्मच किचन किंग और 2 चम्मच जितना धनिया पाउडर। अगर आपके पास देगी मिर्च है तो देगी मिर्च डाल दें, कलर अच्छा आएगा। यहीं पे गरम मसाला 1 चम्मच और डाल देंगे हम अपना टमाटर। तो सब्जी को भूनते हुए 5-7 मिनट हो गया है। देखिए मसाला डालने के बाद सब्जी को अच्छा से भून लिए हैं, एकदम ये गलने के स्टेज पे आ गया है, देख रहे हैं। यहीं पे 1 बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे, 50 ग्राम के करीब गुड़ डाल रही हूँ, और डाल के इसको मिला लेंगे। गुड़ अपना आप मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है कि भंडारे वाला सब्जी तरीदार बनाना है कि लटपट बनाना है। तो देख रहे हैं सब्जी के कलर देखिए, अब इसमें पानी डाल के हम तरीदार बनाएंगे, ज़्यादा भी तरी नहीं। 5-7 मिनट पका लेते हैं, आपका मर्जी। तो ये पूरा टूट जाए तब तक पकाएं, थोड़ा ज़्यादा पानी डालें, आपका मर्जी, थोड़ा साबुत रहे वैसा बनाएं। धनिया धो दल बनी का धो दल बनी धनिया वा कब धोनी काले। तो देखिए इधर भंडारा वाला सब्जी हमारा बन के हो गया है तैयार। अब ऊपर से डालेंगे फ्रेश धनिया की पत्ती, जोरदार। हम लोग का टगाइस बना है, ये देखिए सब्जी
तो पूजा हो रही है बगल में, इधर पूजा की सब्जी बन रही है। हाँ पूजा हो रहा है, कथा हो रहा है गांव में इधर साइड में, तो अभी प्रसाद लेने हम भी जाएंगे। तो देखिए भंडारा वाला सब्जी भी बन गया है, अब जल्दी से हम पूरी बना लेते हैं सर्व करने के लिए। अब पूरी तल लेते हैं, इलायची डल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम तेल को गरम कर लिए हैं, अब फटाफट पूड़ियाँ तल लेते हैं। करारी करारी पूड़ियाँ मैं बना रही हूँ क्योंकि भाई बच्चों का भी डिमांड है कि पूड़ियों को करारा ही बनाइएगा। लाल लाल होठों पे किसका नाम है, भंडारा वाला सब्जी। तो दोस्तों भंडारा वाला सब्जी तो बन ही गया, लेट हो गया था, मैं कहीं चली गई थी। इधर देखिए अब जल्दी से सर्व कर लेते हैं। कहाँ गनी जी आई, हम पूरी बना दी, आप खीर लेके आइए। देख रहे हैं तो ये रहा लुक, फाइनली लुक। और जल्दी जल्दी हम इधर तल लेते हैं, खीर वाले को कटोरी में ले आई ना, खाई चली। तो भाई कटोरी में तार भी निकालना दीवान को क्या पूछते हो। देख रहे हैं दोस्तों पूड़ियाँ देख के तो आपका भी मन कर रहा होगा कि एक बार लाइन में लग के पूड़ियों को ले ही ले। भंडारा का भी अपना ही मजा है, तो ऐसे ही बनता है, हलवाई लोग बनाते हैं भंडारे वाला सब्जी जो हम लोग लाइन लगा लगा के प्रसाद खाते हैं। भाई गर्मा गर्म पूड़ी आ गई है प्लेट में, ये देखिए दोस्तों प्लेट तो तैयार है। तो आ गया है पूरी गरम गरम और भंडारे वाली सब्जी, ये तो बहुत ज्यादा गरम है यार। तो पहले आप लोग खा लीजिए। एकदम मस्त बना सब्जी। चटपटा बनल बा। ये देखो भाई खीर भी बनाई है, पापा ने ही बनाई है खीर। ये देखे कि नहला पे दहला इधर बन रहा है भंडारा वाला सब्जी, तो हम खीर बना देता हूँ। तो दोस्तों चटपटा बना है, लाला जी बता रहे हैं भंडारा वाला सब्जी। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छा लगा हो रेसिपी अच्छा लगा हो तो भाई ट्राई करना तो बनता ही है ना। और इधर मैं पूड़ियाँ डाल लूँ, और यहाँ तक आप देखे हैं वीडियो तो बताइएगा कि आप कहाँ पे और कब भंडारा वाला पूरी सब्जी खाए थे, वो आपको ज़्यादा याद है और मज़ा भी खूब आया था। वैसे तो कहीं भी भंडारा बटता हो मैं तो पहले चली जाती हूँ। इधर देखिए पूड़ियाँ कैसे फूल रही है। तो बस इस तरीके से आप लोग भी बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। कभी भी घर में छोटा मोटा पूजा पाठ हो तो इस तरीके से बना के अपने प्रियजनों में भंडारा वाला सब्जी सभी को खिला सकते हैं प्रसाद के तौर पे। फिर मिलती हूँ, जब तक के लिए आप सभी को हैप्पी भंडारा।